तो हेलो दोस्तों, एवी रसोई में आपका फिर से एक बार स्वागत है। तो दोस्तों, आज हम बनाने जा रहे हैं कलिंगड़ का शरबत। तो दोस्तों, कलिंगड़ का शरबत बनाने के लिए क्या क्या इंग्रेडिएंट्स लगेगा, तो चलो सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। और दोस्तों, जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों जल्द से जल्द कर ले, ताकि हम आपको आगे की वीडियो ऐसे दिखाते रहे। और दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो चलो दोस्तों, अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं कलिंगड़ का शरबत। तो दोस्तों, कलिंगड़ का शरबत बनाने के लिए हमने यहाँ पर ले लिया कलिंगड़, और यहाँ पर हमने ले लिए 2 चम्मच सब्जा, और यहाँ पर हमने ले लिए 2 चम्मच शक्कर, और ये है दोस्तों काला नमक पाउडर 1 चम्मच, और यहाँ पर कुछ हमने ले लिए आइस क्यूब, और यहाँ पर हमने ले लिए 1 कप पानी। तो चलो दोस्तों, अभी हम बनाना स्टार्ट करते हैं कलिंगड़ शरबत। तो दोस्तों, अभी हम कलिंगड़ को मिक्सर में डाल देंगे। और दोस्तों, अब हम इसके अंदर शक्कर डाल देंगे, 2 चम्मच शक्कर, और एक काला नमक पाउडर हमने जो ले लिए थे 1 चम्मच, आइस क्यूब। और दोस्तों, अब हम इसके अंदर 1 कप पानी। तो दोस्तों, अभी हम इसे अच्छी तरीके से हम मिक्सर में पीस लेंगे, और इसको हम अभी अच्छी तरीके से जूस बना लेंगे। तो दोस्तों, इसे अब हमने अच्छी तरीके से जूस बना लिए, अब हम इसे छान लेंगे अच्छी तरीके से। तो दोस्तों, अभी हमने इसे अच्छी तरीके से छान लिया है, और ये बहुत ही हेल्दी है, और गर्मी के सीज़न में आप ज़रूर घर पे ट्राई कीजिए। और दोस्तों, इसे पीने से आप एकदम फ्रेश रहोगे। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको तो ज़रूर हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। और तो अब हमने इसमें सब्जा डाल दिया है, और दोस्तों ये अभी रेडी है। तो आप भी घर पे ज़रूर ट्राई कीजिए, और हमारा वीडियो आपको कैसा लगा तो ज़रूर लाइक कीजिए। तो दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।